लाइव। ओके सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हैं आप लोग? सारे लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अग्निवेश मौर्य, हाय। हेलो अग्निवेश, हाउ आर यू? टेलीग्राम पे। ओके सो कैसे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग फटाफट। और फटाफट मैं कितना बोल रहे हो, सारे लोग एक बारी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैम, वी ऑल आर हियर एंड वी ऑल आर रेडी टू स्टार्ट द क्विज। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि मैम हम लोग रेडी हैं और आप क्विज स्टार्ट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए फेसबुक पे, हमें जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों का, और यूट्यूब पे जितने लोग देख रहे हैं सारे लोगों का स्वागत है तैयारी शाला में। और आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स, जो कि हमेशा करते हैं, लेकिन हमारा आज थंबनेल नया बना है तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक्स, थोड़ा सा स्टैटिक्स का तड़का भी होगा, थोड़ी सी मोर इन्फॉर्मेशन, छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बारी फेसबुक पर जितने लोग हमें देख रहे हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में, यानी आपके भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए ताकि हम लोग अपना क्विज स्टार्ट कर सके। फटाफट कमेंट कीजिए। फटाफट सारे लोग कमेंट कीजिए। ओके, संदीप रोमन लिख रहे हैं, यस। ओके, फेसबुक पर संदीप रोमन का आया है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप। गोलू सिंह कुशवाहा लिख रहे हैं, रेडी। और आपसे अनुरोध है कि मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगी और 10 क्वेश्चन तक आप लोग, सारे लोगों को लास्ट तक टिके रहना है हमारे साथ ताकि आप लोग भी समझ पाओ चीजें। और जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वो टॉप 10 क्वेश्चंस है जो एग्जाम के पर्पज से, जो आने वाले एग्जाम है वो जरूरी नहीं है कि एआरबी एनटीपीसी हो या फिर आपका एसएससी सीजीएल हो, इन सब के लिए कोई पार्टिकुलर चीज नहीं है। ये सारे एग्जाम पर्पज के लिए करंट अफेयर्स आपको पता है कि जरूरी होता है, तो सारे एग्जाम पर्पस के हिसाब से मैंने टॉप 10 क्वेश्चन उठाए हैं, तो आप लोग हमारे साथ आखिरी तक बने रहें, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्विज विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए पहला सवाल है आपके सामने कि विच कंपनी हैज साइंड एमओयू विद एलएससी टू सेटअप द सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन लॉजिस्टिक सेल, ठीक है? आपको बताना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जा चुका है, फटाफट आंसर दीजिए कि लॉजिस्टिक सेल के उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने एलएससी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शंस हैं आपकी एचआईटीएस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील। दोस्तों यहाँ पर स्नैपडील है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैम ये क्या है, तो दिस वन इज स्नैपडील, एल छूट गया है। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट बताइए इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फेसबुक पर हमें जितने लोग देख रहे हैं फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एनालिसिस कर कर इसका जवाब दे सकते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब, लेट्स सी। तो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ने एक ऐसी ई कॉमर्स ये मार्केट प्लेस है जिसने साइन किया है एलएससी के साथ अपना जो समझौता है वो। तो एलएससी का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक स्किल एंड डेवलपमेंट। चलिए लॉजिस्टिक स्किल एंड डेवलपमेंट, क्लियर है सबको? क्लियर है। और दूसरी बात, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिल्कुल गलत जवाब है गोलू, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर आपका इंडिया में बैंगलोर में है, और ऐसे देखा जाए मेन हेडक्वार्टर उसका सिंगापुर में है। क्लियर है? आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर।
आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल देखिए आप कि एनएसओ हैज एस्टिमेटेड द इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मेनी परसेंट इन 2020 टू 2021। एनएसओ ने 2020-21 में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत से कम करने का अनुमान लगाया है? आपके ऑप्शंस हैं 6.6%, 7.7%, 8.9% या फिर 10.5%। फटाफट आपको बताना है कि कितने परसेंट अनुमान लगाया है एनएसओ ने। एनएसओ ने कितने परसेंट अनुमान लगाया है? फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब, तो लेट्स सी इसका सही जवाब क्या होगा। तो पहली बात तो हम लोग ये जान लेते हैं कि एनएसओ का मतलब क्या होता है। एनएसओ का मतलब आपका होता है, एनएसओ का मतलब होता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इन्होंने अनुमान लगाया है 7.7% का, ठीक है। कितने का अनुमान लगाया है? तो 7.7% का इन लोगों ने अनुमान लगाया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल आप देखिए कि द गवर्नमेंट हैज प्रोमुलेगेटेड द जे एन के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021 टू मर्ज द जे एन क्यू कैडर ऑफिसर विथ विच कैडर, ठीक है। आपको बताना है सरकार ने जम्मू कश्मीर संशोधन आदेश 2021 को जम्मू कश्मीर कैडर के किस अधिकारी के साथ विलय करने का वादा किया है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम या ऑल ऑफ दी अबव? फटाफट बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए ए दे रहे हैं बहुत सारे लोग, देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। नीचे में कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, मैं पढ़ देती हूँ कि द सेंटर हैज फ्रॉम वही चीजें हैं, यूनियन टेरिटरी जो है अरुणाचल, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी। तो इसको इसमें क्या हुआ है, मर्ज करने की बात हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल नहीं, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जम्मू एंड कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है वो 31 अक्टूबर 2019 को रखी गई थी, ठीक है। अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, आपको पता है 377-35A, ठीक है। तो कैपिटल क्या है इसका? श्रीनगर है, जो कि मई से अक्टूबर के बीच में रहता है। और जम्मू कश्मीर कब होता है? जम्मू कब होता है? नवंबर, नवंबर से अप्रैल, मतलब इसका जो ये है कैपिटल है वो बदलता रहता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है जम्मू कश्मीर में? तो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा। और चीफ मिनिस्टर तो वहां है नहीं, और यहाँ 114 सीटें हैं। और दूसरी चीज, राज्यसभा में 4 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें थी जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। एक बार ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आप लोगों को क्लियर है ये सारी चीजें, एक बार ही कमेंट कीजिए। वहां पर आपसे जम्मू एंड कश्मीर से बहुत सारे सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल पूछ सकता है कि एप्पल टाउन जो है जम्मू कश्मीर में वो किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? तो एप्पल टाउन जम्मू कश्मीर में सपोर, वहां का एक जगह है सपोर, उसे हम लोग एप्पल टाउन कहते हैं। एप्पल टाउन, एप्पल टाउन। एक और सवाल बन सकता है कि जम्मू कश्मीर कश्मीर में जो शालीमार है वो किसने बनाया था? ये एक सवाल आपसे कह सकता है कि किसने बनाया था? तो जहांगीर ने बनाया था शालीमार, शालीमार जहांगीर ने बनाया था, ठीक है। क्लियर है सबको, एक बारी बता दीजिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये हिंदी में मैंने आप लोग के लिए कर दिया था कि हिंदी में मैं भी आप लोगों को आसानी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं जम्मू एंड कश्मीर में? द चिंगंग नेशनल पार्क, काजीनंग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और सलीम अली सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क हैं वहां जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर जो है बहुत सारी वैलीज का भी घर कहा जाता है। तो कौन कौन सी वैलीज है? तो कश्मीरी वैली है, तब क्या है, तवी वैलीज है, चेनाब वैली है, पूंछ वैली है, सिंध वैली है, लिदर वैली है। ये सारी वैलीज हैं। और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर्स वहां से बहती हैं? कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं? तो तवी, रवि, चेनाब आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दी स्टेट ऑफ दिस यूनियन टेरिटरी। इस यूनियन टेरिटरी की जो इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तवी, रवि, चेनाब। तवी, रवि एंड चेनाब आर द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई होप यहां तक क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। हाँ, ये चीज मैंने आपको बता दी, किसे बोला जाता है? सपोर को बोला जाता है, सपोर। और दूसरा, कब, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंप्लीमेंटेड? तो बहुत सारे सवाल आपके जम्मू कश्मीर से पूछ सकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर कुछ सवाल रखे हैं बीच में। तो कब कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर को इंप्लीमेंट किया था, बताना है आपको कब किया था। बहुत ही आसान है, डी 1965 को इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। हमारा चौथा सवाल आप देखिए स्क्रीन पर है आपके, कि विच ट्रस्ट हैज अलोकेटेड ₹201.58 करोड़ फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द पीएसए ऑक्सीजन प्लांट? किस ट्रस्ट ने पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए, संयंत्रों की स्थापना के लिए 201.58 करोड़ रुपए का इम्प्लीमेंटेशन किया है, अलोकेट किया है? डीएसपी, ईवी एनवायरमेंट मैनेजर, पीएम केयर्स फंड, सीएमआरएफ और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बताना है आपको, सही सही जवाब बताना है क्या होगा। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोग के, फेसबुक पर हमें जितने लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पर हमें जितने लोग देख रहे हैं, फटाफट आप कमेंट कीजिए क्या होगा सही जवाब। क्या होगा इसका सही जवाब, आप लोग कमेंट कीजिए। फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पीएम केयर्स फंड हो रहा है। तो इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि किस ट्रस्ट ने एलोकेट किया है 201.58 करोड़ किसके लिए? पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के लिए। डी दे, चलिए राजेश कुमार दे रहे हैं डी, शरद दे रहे हैं ओके, सी नवीन आर्या, पीएम केयर्स फंड, ओके नवीन। चलिए लेकिन पीएम केयर्स फंड इज द राइट आंसर। फेसबुक पर जितने लोग हैं कमेंट कर कर बताइए क्या होगा सही जवाब, आप लोग के कमेंट नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो पीएम केयर्स फंड किस लिए दिया गया है? तो 162 मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए दिया है, फॉर द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, फॉर द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला सवाल, पांचवा सवाल है आपके सामने, कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका? सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका किसे चुना गया है? डोनाल्ड कैब्रिका, एंजी फ्लेक्स, फॉस्टिन ट्यूडोरा या एंड्री कॉलिंगम? ये एक सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका जो है अफ्रीका में ही है, तो ये एक अलग कंट्री है। तो ये अपने आप को एक अलग ही कंट्री मानता है। तो ये क्या, इनके जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सही जवाब क्या होगा इसका, बताइए फटाफट। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो फॉस्टन होगा इसका सही जवाब। फॉस्टन को चुना गया है नया प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। देखिए द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स आर ए लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक कंट्री कहने का मतलब है ऐसा राज्य, ऐसा कंट्री जो कि सॉवरन हो, सॉवरन स्टेट, जो कि किसी के साथ भी टेरिटरी कनेक्शन नहीं रखता हो ओशन में या फिर कोस्ट लाइन में, ठीक है, उसको हम लोग लैंड लॉक्ड कहते हैं। यहां तक क्लियर है? तो ये जो सेंट्रल अफ्रीका है, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। प्रणाम मिस, प्रणाम रवि अशोक। चलिए हरिओम लोधी दे रहे हैं सी, 5 का सी। ओके तो देखिए यहां पर दिख रहा है, यहां पर आपको मैप दिख रहा होगा, सारे लोगों को मैप दिख रहा होगा। तो जो ग्रीन से है ना, जो ग्रीन से किया गया है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। और दो जो है ये पर्पल से जो है ये भी डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, जो कि अपने आप में सॉवरेन है, अपने आप में एक किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सॉवरेन कंट्री है, ठीक है। देखिए सेंट्रल अफ्रीका, देखिए यहां पर है, यहां पर दिख रहा होगा, शायद ये थोड़ा धुंधला हो गया है। सेंट्रल अफ्रीका, यहाँ पर साउथ ये है, यहाँ नाइजीरिया है, अफ्रीका का पार्ट है ये अफ्रीका का पार्ट है, सेंट्रल अफ्रीका बीच में है, ठीक है, क्लियर है। कैपिटल इसका क्या होगा? ये सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक का बता रही हूँ, कैपिटल बनगोई होगा। आर्चेन टेड्रस, फॉस्टन आर्चेन टेड्रस यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? फोरमैन, फोरमैन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़े हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। छठा सवाल है आपके सामने। हाँ पीडीएफ मिल जाएगा हरिओम लोधी आपको, कि विच स्टेट हैज लॉन्च द एम पेंशन ऐप। किस राज्य ने एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? मणिपुर, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर वेस्ट बंगाल? आपको बताना है किसने जो है एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है। मणिपुर ने किया है, उड़ीसा ने किया है या फिर वेस्ट बंगाल ने किया है? मणिपुर, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल। चलिए हरिओम लोधी दे रहे हैं 6 का ए। फटाफट कमेंट सेक्शन में, फेसबुक पर मैं जितने लोग दे रहे हैं देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट तो कीजिए, कमेंट तो कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो मणिपुर विल बी द राइट आंसर। ओके यहाँ पर ये है गलत हो गया है, तो ए मणिपुर, मणिपुर इज द राइट आंसर। एम पेंशन जो ऐप है वो मणिपुर ने लॉन्च किया है। मणिपुर के बारे में जान लेते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 में। कैपिटल क्या है इसका? तो इम्फाल है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 16, ठीक है। गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। और चीफ मिनिस्टर है एन बेरेन सिंह, जो कि बीजेपी लीडर है। लेजिस्लेचर 60 सीटें हैं और पार्लियामेंट्री में राज्यसभा में एक और लोकसभा में 2 सीटें हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये सारे आप लोग को नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दीज आर द इम्पोर्टेंट। गवर्नर जरूर नोट डाउन कीजिएगा राजेश। ओके सी मणिपुर होगा लेकिन ए। चलिए सातवां सवाल है आपके सामने, कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF, ठीक है। AIFF के प्रथम उप महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फुटबॉल फेडरेशन के जो नए डिप्टी जनरल हैं, सेक्रेटरी हैं, वो कौन है? अरुण गोयल, अभिषेक यादव, सुनील छत्री या फिर बाईचुंग भूटिया? बताइए फटाफट कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका सही जवाब।
देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, चलिए वेरी गुड, सी होगा, अभिषेक यादव। यादव ये एक फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर भी थे, अभिषेक यादव, जिन्हें नया पहला डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में उन्हें चुना गया है, नियुक्त किया गया है। क्या नाम है उनका? अभिषेक यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर, कि विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च वेलफेयर स्कीम एंड डेडिकेशन। चलिए बताइए। किस राज्य के, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया, जनवरी टू गर्ल चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर होगा डेडिकेटिंग जनवरी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर होगा जनवरी, जनवरी के बाद ये होगा, ठीक है, जनवरी टू गर्ल चाइल्ड। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और जनवरी को बालिका को समर्पित किया है? महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका। चलिए देखते हैं क्या होगा सही जवाब। पंजाब होगा, पंजाब को पांच नदियों का शहर भी कहा जाता है, पांच नदियों का स्टेट भी कहा जाता है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? लुधियाना। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो 22 डिस्ट्रिक्ट है। और गवर्नर कौन है? तो वीपी सिंह बदनौरे। चीफ मिनिस्टर है अरविंद सिंह। और 117 सीटें हैं विधानसभा में, और दूसरी लोकसभा में 13 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए सिख एम्पायर की जो ये रखी गई थी, एम्पायर रखा गया था, वो कब रखा गया था? 1801 से 1849 तक चला था सिख एम्पायर। और महाराणा रणजीत सिंह जो थे, इसका फाउंडेशन, उन्होंने इनका फाउंडेशन किया था खालसा का, ठीक है, खालसा का। उसके बाद जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मौत होती है, उसके बाद बहुत सारी चीजें खराब होने लगती हैं, ये एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगता है, वीक पड़ने लगता है। ठीक है, यहां से आप लोग देख सकते हैं कि यहां से इस वाला जो पार्ट है, यहाँ सिख का राज होता था, सिख के लोग यहाँ राज करते थे, ठीक है, यहाँ एम्पायर था उनका। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नौवें सवाल की ओर, कि विच स्पेस एजेंसी हैज प्लान्ड टू लॉन्च द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन मार्च 2021। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्च 2021 में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करने की लॉन्च करने की योजना बनाई है? इसरो, नासा, स्पेसएक्स या जैक्स, ZAXA, बताइए फटाफट, कमेंट कीजिए क्या होगा सही जवाब। कमेंट कर कर बताइए क्या होगा सही जवाब। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है इसरो, सही जवाब है इसरो। देखते हैं, तो इसरो इज द राइट आंसर। इसरो जो है वो अभी नया सैटेलाइट, सबसे स्मॉलेस्ट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है मार्च 2021 में, मार्च 2021 में ये लॉन्च करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ गूगल क्लाउड इन द एशिया स्पेसिफिक। एशिया स्पेसिफिक में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिक हार्शमैन, करण बजवा, विक्रम शाह या विकास मेहरा, बताना है आपको किसे नियुक्त किया गया है एज ए हेड ऑफ गूगल क्लाउड इन द एशियन पैसिफिक। चलिए तो इसका सही जवाब होगा आपका, करण बजवा को लॉन्च किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज ए एमडी करण, एज ए गूगल क्लाउड, एज ए हेड ऑफ गूगल क्लाउड इन द एशिया पैसिफिक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, 10 क्वेश्चन, ज्यादा लोग थे नहीं, तो आज मैं यही एंड करती हूँ। और एक झलक सबसे अलग में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, करंट अफेयर्स की चीजें मैंने दे रखी हैं इसमें। तो आई होप यू लाइक द क्लास।
चलिए, आई होप यू लाइक द क्लास एंड स्टे सेफ एंड स्टे होम ऑल ऑफ यू गाइज. बाय बाय एंड टेक केयर.